ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये आप लिख चुके हैं पहले ना। अब इसमें हमने जनरल जनरल कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करेंगे हम फाइनल एंट्री बुक जनरल लेजर पर। जनरल लेजर फाइनल एंट्री बुक, इसको लिखते हैं पहले। जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर और मेन लेजर, ऐसे क्या होते हैं जी? क्या होते हैं कुछ कॉमर्स वाले बताएंगे? टी अकाउंट्स होते हैं, और टी अकाउंट्स क्या होते हैं? लेजर, ठीक है। अच्छा देखिए, जनरल लेजर क्या होता है पहले लिख लेते हैं। लेजर क्या होता है? लेजर खुद कोई चीज नहीं है, लेजर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट्स। लेकिन लेजर क्या है? लेजर खुद कोई चीज नहीं है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स का एक नाम है। देखिए बहुत सारे अकाउंट्स बना रहे उसे कलेक्टिवली क्या कहेंगे? लेजर। तो मेन चीज क्या है? अकाउंट। मेन चीज क्या है? अकाउंट है ना। आप अकाउंट पर रहेंगे बहुत सारे, इसको कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे? लेजर। तो मेन चीज क्या है? अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है? अब ये अकाउंट क्या होते हैं जिसको टी अकाउंट भी कहते हैं हम? पैसे जमा करना, वो बैंक अकाउंट होता है। अच्छा तो लिख लेते हैं चले। अच्छा अकाउंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि अकाउंट क्या है? एन अकाउंट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सिमिलर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल इक्विटी। अच्छा तो अकाउंट क्या है? क्या देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन, और वो भी क्या? रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये देखिए क्या लिखा, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एसेट। अब एसेट कितने होते हैं? कैश, बैंक, रिसीवेबल्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। तो उसमें क्या होगा? हर एसेट का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और उसमें हम सिर्फ उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? कलेक्शन ऑफ ऑल सिमिलर अकाउंट, ठीक है। हर एसेट का एक सेपरेट अकाउंट होगा जिसमें उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। जैसे कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश का अकाउंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी कि किस डेट पर कितना कैश हमने रिसीव किया और किस डेट पर कितना कैश पे किया। बैंक का अकाउंट बनेगा तो उसमें सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी। एक्सपेंस अकाउंट है जैसे, तो रेंट एक्सपेंस का अलग अकाउंट होगा, उसका रेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी। सैलरी एक्सपेंस का अलग अकाउंट बनेगा, उसमें सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी। इसी तरह हर लायबिलिटी का सेपरेट अकाउंट होगा, जैसे अकाउंट्स पेबल का अलग अकाउंट बनेगा, लोन पेबल का अलग अकाउंट होगा, तो रेवेन्यू का अलग अकाउंट बनेगा, कैपिटल का अलग अकाउंट। तो हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट होगा और उसमें हम सिर्फ उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा तो उसका फायदा क्या है? अलग अलग अकाउंट, अलग हर आइटम लायबिलिटी है, दोनों है लायबिलिटी लेकिन अलग। दूसरा देखिए, कैश एसेट है, बैंक भी एसेट है, लैंड भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। तो सबको एक ही बनाए या अलग अलग बनाए? अलग बने, अलग अलग रिकॉर्ड आपके पास आके एक ही अकाउंट बना लेंगे। अगर आप एसेट के नाम से एसेट लेके एक ही अकाउंट बना लें तो उसमें आपको पता कैसे चलेगा कैश कितना है आपके पास, बैंक बैलेंस कितना है, फर्नीचर कितने का है, बिल्डिंग कितने की है, मशीनरी कितने की है, सब मिक्स हो जाएगा ना। उससे हर आइटम का अलग अकाउंट होगा, हर एसेट का अलग अकाउंट, हर एक्सपेंस का अलग अकाउंट, हर लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल का अलग अकाउंट होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा सर, फायदा क्या होगा? अब हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, फिर उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है?
रिकॉर्ड करने में आसानी होगी, चेक करने में आसानी होगी, और हर चीज का सेपरेट रिकॉर्ड आ जाएगा ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जनरल जनरल बनाया, अब हमें ये मालूम करना है, अब 1 लाख से हमने एक बिजनेस शुरू किया अपना, अच्छा मंथ एंड हुआ, अब मंथ एंड पे कैश 1 लाख तो नहीं होगा ना, या तो उससे कम होगा या ज्यादा भी हो सकता है। अब मंथ एंड पे कैश कितना बचा आपके पास, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर जनरल जनरल से कैलकुलेट करें तो उससे क्या होगा, आप पहले डेबिट वाली साइड देखेंगे कैश कहाँ कहाँ पे डेबिट हो रहा है और कहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, फिर आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बैलेंस आएगा। तो इसमें काफी टाइम लगेगा, पहले ट्रांजेक्शन ढूंढना पड़ेंगे आपको, कैश कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट कहाँ पर है, क्रेडिट का है, फिर डेबिट साइड का टोटल करेंगे, फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर उसका डिफरेंस लेंगे तो बैलेंस आएगा ना। इससे क्या होगा, अब अगर आप कैश का एक अकाउंट बना लेते हैं तो उससे क्या फायदा होगा कि सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह आ जाएंगी, एक ही पेज पर सारी ट्रांजेक्शन पड़ जाएंगी कैश से रिलेटेड, वहीं पे आप उसको एड्रेस करके बैलेंस अपना इजीली फाइंड कर। तो इसमें क्या होगा बताओ, इससे फायदा ये होगा कि एक तो हर चीज का सेपरेट रिकॉर्ड आपके पास होगा, तो रिकॉर्ड करना भी आसान, चेक करना भी आसान, और बैलेंस फाइंड करना भी आसान है, इसलिए हर आइटम का अलग अकाउंट बनाए। अब क्या करें, हाँ ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी बता जो जनरल जनरल हमने बनाया ना, जनरल जनरल में हर ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है, ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा फिर कि जनरल जनरल में रिकॉर्ड होता क्या है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जनरल जनरल में रिकॉर्ड नहीं होती है, सिर्फ चंद ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। अभी जो हमने तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, ये सिर्फ हमारी भी प्रैक्टिस है कि डबल एंट्री बनती कैसे, रिकॉर्डिंग कैसे होती। अभी आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक, इसमें ये पढ़ेंगे स्पेशल हाँ देखें, ये जो पढ़ेंगे तो स्पेशल जर्नल स्पेशल टेबल सब मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल जर्नल में एक्चुअल में रिकॉर्ड होता क्या है, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है और कौन सी नहीं होती। ये तो अभी हमने प्रैक्टिस की है, तो हर ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की, हर ट्रांजेक्शन जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं, ये आगे बताऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे स्पेशल जर्नल। अब ये कॉपी कर दिया, अच्छा तो अब लेजर क्या है, लेजर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स का नाम, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स बना लें तो उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, लेजर। तो मेन चीज क्या है, अकाउंट कौन दोनों, नहीं, लेजर में अकाउंट्स बनते हैं उसको कलेक्टिवली बोलेंगे लेजर। देखिए क्या आप कौन है, एक स्टूडेंट है ना जी, और सब बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, उसको क्या बोलेंगे, क्लास होगी ना, अभी क्लास बन गई पूरी, तो सिंगल है तो क्या है, अब आपको सिंगल को तो हम क्लास नहीं बोलेंगे ना, पूरी क्लास है, क्लास है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए तो उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, क्लास, क्लास है आप लोग, ये चीज। तो लेजर क्या है, आप अकेले अकाउंट आप है और सब मिल गए तो ये क्या बन गया, लेजर, ये मतलब लेजर, हाँ अकाउंट। तो मतलब बहुत सारे अकाउंट बना लें तो उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, लेजर, तो लेजर खुद कोई चीज नहीं, ये चीज जैसे तीन नाम है, ये नाम है नहीं, टाइप नहीं, नाम है, जनरल लेजर बोले, मेन लेजर क्या है, नॉमिनल लेजर, एक ही चीज के तीन नाम, मेन अच्छा एक चीज और चले यहाँ बता देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट, ऑल अकाउंट नहीं लिखा, रेलेवेंट अकाउंट नहीं लिखा, ऑल रेलेवेंट अकाउंट नहीं, अभी ये भी आगे बताऊंगा, चले अभी बता देता हूँ, वैसे बताता नहीं, जो लेजर होते हैं ना, लेजर भी तीन टाइप्स के होते हैं, लेजर की भी थ्री टाइप्स, ये आगे पढ़ेंगे जब वो पढ़ेंगे ना स्पेशल डे बुक्स तब बताऊंगा। लेजर की भी असल में तीन टाइप्स होती हैं, तो कुछ अकाउंट्स
एक लेजर में बनेंगे कुछ अकाउंट्स, दूसरे लेजर में कुछ अकाउंट्स, तीसरे लेजर, इसलिए हमें टर्म मनी यूज के रेलेवेंट अकाउंट। तो हर अकाउंट, सारे अकाउंट एक ही लेजर में नहीं बनते, लेजर भी थ्री टाइप्स के होते हैं और उनके हिसाब से फिर हम अकाउंट्स बनाते हैं, इसलिए यहाँ मैंने टर्म यूज किया रेलेवेंट अकाउंट। ठीक है, कुछ अकाउंट्स एक टाइप के लेजर में जाएंगे, कुछ अकाउंट्स दूसरे टाइप में, कुछ अकाउंट्स तीसरे टाइप। जैसे कि पैसे डाल रहे हैं, कैश हमारा डेबिट हो रहा है, कैपिटल में क्रेडिट हो रहा हो है। गया अब लेकिन अगर हम लोन ले रहे हैं तो उसमें भी कैश डेबिट हो रहा है, तो बताए। लेकिन अब अकाउंट में हम बनाएंगे तो हाँ उसमें सेपरेट सेपरेट बना रहे हैं। ना, कैश तो एक ही बनेगा, दोनों डेबिट में आएंगे। हाँ अच्छा, वो दोनों डेबिट में आ रहे हैं। अब ना अगर अकाउंट लोन का अलग अलग बनेगा, बनाएंगे, कैपिटल का कैपिटल अलग बनेगा। का अलग। अब लोन का मुझे जिसमें हमने ना लोन लिया है वो भी ना लोन अलग बना जाएगा, दोनों में तीन बन गया ना, मतलब लोन दो से लिया, नहीं, एक ही बंदे से लोन पहले हमने लिया। कैपिटल स्टार्ट किया, एक हो गया कैश का अकाउंट, एक हो गया कैपिटल, दो हो गया। ठीक, अब क्या किया, अब हमने ना कैश हमारे पास आया, लोन किस बंदे का लोन ले लिया हमने किसी से, तो कैश का अकाउंट तो वही रहेगा, नहीं रहेगा, लोन का एक और बन गया, तीन लोन का अकाउंट एक हो गए, और तीन अकाउंट बन गया। हो गए। लेकिन जो जो ट्रांजेक्शन है वो कैश और लोन दोनों में लिखी रहेगी। हाँ डबल एंट्री बनेगी ना, तो इसीलिए तो ये जरा जरा बनाया मैंने कि आपको डबल एंट्री बनानी आती है। हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री होगी, हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, एक अकाउंट में डेबिट पे, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट, एक अकाउंट में डेबिट, एक अकाउंट में क्रेडिट, डबल एंट्री बनेगी ना, तो हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री होगी, हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, एक अकाउंट में डेबिट, एक अकाउंट में क्रेडिट, इसी तरह से। तो ये जनरल जनरल इसलिए हमने बनाया था कि हमें डबल एंट्रीज बनानी आ जाए। अच्छा ये हो गए डेफिनेशन। अच्छा अब इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, ज्योति अकाउंट का, इसका अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। अच्छा अकाउंट्स के तीन फॉर्मेट्स होते हैं, इसके तीन फॉर्मेट्स हैं, तीन तरह से हम अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा ये पहले फॉर्म जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा, ये इसका कुछ फॉर्मेट इस तरह होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर में आएगा टाइटल ऑफ अकाउंट, यानी कि हम यहाँ अकाउंट नेम लिखेंगे, जैसे कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, अकाउंट नेम आ जाएगा। अच्छा साइड पे अकाउंट नंबर लिखा जाता है, हर अकाउंट का कोड नंबर होता है जो यूज करते हैं, वहाँ लिखेंगे। इसके बाद ये फॉर्मेट है, डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस अमाउंट। अच्छा ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये डेबिट साइड होगी, और ये जो राइट हैंड साइड है ये क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट। जनरल जनरल में क्या था, दोनों कॉलम साथ बन रहे थे ना, डेबिट क्रेडिट। अब इसमें दोनों कॉलम अलग हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। हाँ क्या करें, पोस्ट रेफरेंस जो फिलहाल यूज नहीं है, सर किया के जरूरत तो नहीं होगी ना सर को। नहीं वैसे जरूरत नहीं है आपके लेवल पे, ना भी बनाए। अच्छा ये कॉपी कर लें फॉर्मेट इसका ये। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं सारे फॉर्मेट दिखा देता हूँ, बाद में कॉपी कर लेंगे। अच्छा ये हो गए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा ये फॉर्मेट हम यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं होगा, प्रैक्टिस में यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, प्रैक्टिस में हम ये फॉर्मेट यूज नहीं करते क्योंकि हेडिंग्स वगैरह बहुत सारी है, तो उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा इसके बाद है सेकेंड स्केलेटन फॉर्म। इसमें ये इसका स्केलेटन फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। हाँ इससे जो देखिए दो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, तो इसका शेप क्या बन गया, टी बन गया ना। स्केलेटन फॉर्म इसका कॉमन नेम है टी अकाउंट, इसका कॉमन नेम क्या है, टी अकाउंट, क्योंकि उसका शेप क्या बन रहा है, टी की तरह। अच्छा तो इसमें हेडिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजेक्शन की डेट भी लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, अमाउंट भी लिखेंगे, लेकिन हेडिंग डालेंगे नहीं, लेकिन लिखेंगे सब कुछ। तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और ये राइट हैंड साइड वही क्रेडिट साइड होगी, तो हम बताएंगे भी करेंगे। अच्छा तो ये वाला फॉर्मेट हम यूज करेंगे, प्रैक्टिस में, एग्जाम्स में, बुक्स में यही फॉर्मेट यूज होता है, प्रैक्टिस में, एग्जाम्स में और बुक्स में भी यही फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, स्केलेटन फॉर्मेट। तो थर्ड फॉर्मेट है इसका सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, बात ही नहीं कर रहे हम लोग, लास्ट है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, डेट
डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। हाँ, इसमें कॉलम ऐड हो जाता है बैलेंस का। अच्छा, ये फॉर्मेट यूज होता है नॉर्मली बैंक्स में, यूज कोई भी कर सकते हैं, नॉर्मली बैंक्स में यूज होता है। अच्छा, इस फॉर्मेट का फायदा क्या है? इसमें हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस अपडेट होता है। इस फॉर्मेट का फायदा क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली बैंक्स में यही फॉर्मेट यूज किया जाता है क्योंकि आपको अपना बैंक बैलेंस अपडेटेड चाहिए होता है ना। तो उसमें ये होता है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैंक बैलेंस अपडेट हो रहा होता है, तो इसलिए बैंक में तो यही फॉर्मेट यूज होता है। कहीं और भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, पाबंदी नहीं है। सर अगर बैलेंस के ऊपर 5,000 है और एक और एंट्री हो जाएगी 5,000 की, तो कितना वाला 5,000, ये वाला 5,000 प्लस हो माइनस हो जाएगा? जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जमा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। हाँ, कैन हो जाएगा। हाँ, इस तरह होगा, वो अपडेट होता है हर ट्रांजेक्शन में, अपडेट होता रहेगा। 5 हो जाएगा, फिर निकाले वो 8 हो जाएगा, कम ज्यादा होता सभी यूज हो सकता है, बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया इसके फॉर्मेट्स। ओके, जब क्वेश्चन नंबर 2.4 अब हम बनाएंगे इसका जर्नल एज टी अकाउंट्स। हाँ, क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? मैंने लिखा वो सॉफ्टवेयर लिखता है बाय डिफॉल्ट आता है, घोष में ही हो ना। हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? घोष लिखते हो क्या? मतलब मीटिंग मैंने स्टार्ट किया तो मैं होस्ट हुआ ना, मेजबान, बाकी जो ज्वाइन करेगा वो मेहमान हो गया, गेस्ट। इसलिए वो होस्ट होता है जो मीटिंग स्टार्ट करता है, और जो बाकी ज्वाइन करेंगे वो गेस्ट, उनके नाम पे आएगा, गेस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, जनरल है जो, ठीक है, ओके। अच्छा, द पहले ट्रांजेक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विथ 17,500 इन कैश, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? इसकी डबल एंट्री कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, जब हम जनरल लेजर बना रहे हैं अकाउंट, ये आप लोग क्वेश्चन देखकर भी बना सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के, और जो हमने इसका जनरल जनरल बनाया था उसको देखकर भी बना सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, और जो जनरल जनरल बनाया था उसको देखकर भी बना सकते हैं। पहली एंट्री क्या थी उसमें? कैश कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। दो अच्छा, पहले तो बना दो। अच्छा, अब यहाँ पे बनेंगे दो टी अकाउंट, ठीक है, दो टी अकाउंट बनेंगे, एक कैश का, दूसरा कैपिटल। कैश का अकाउंट बनाते हैं और सेकंड बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें आप देख लें, कैश अकाउंट बड़ा बनाया मैंने कि इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन आएंगे, कैपिटल अकाउंट छोटा बनेगा इसमें का इसके ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जब ड्रॉ करें अपने पास कॉपी करें तो लाइंस काउंट कर लीजिएगा कि कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस। 7 लाइंस के बाद अब बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट, और ये बनेगा 4 लाइंस का, ठीक है। तो ये लाइंस ड्रॉ करके, काउंट करके ड्रॉ कीजिएगा अपने पास, अभी बनाना नहीं, सफर कर। अच्छा, ये दो अकाउंट बन गए। अच्छा, एंट्री क्या होगी इसकी? अब कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब यहाँ डेट के कॉलम में इसकी हम डेट लिख लेंगे, और अमाउंट के कॉलम में इसका अमाउंट आ गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है, फिलहाल मैं नहीं लिखवा रहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होगा। फिलहाल हम सिर्फ डेट और अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बाद में लिखेंगे। अच्छा, ये पहली एंट्री होगी हमारी कैश डेबिट, सेकंड एंट्री क्या होगी? कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, एक डेबिट है एक क्रेडिट है ना। ये भी डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा ना। एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट कैपिटल डेबिट, गलत हो जाएगा। ये साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड क्रेडिट है। अच्छा, जब सेकंड, अच्छा इतने लाइन सॉरी कीजिएगा,
जी क्या कह रहे हैं, उसको देख के बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल इजी होता है वो, तो मैंने कहा ना उसको क्वेश्चन देख के भी बना सकते हैं, ज्यादा ज्यादा देख के भी बना सकते हैं, ज्यादा ज्यादा देख के बना लो इजी हो जाएगा, क्योंकि एंट्रीज बनी है सारी, डायरेक्ट आप डायमंड क्रिएट कर सकते हैं। टॉपिक अकाउंटिंग सेटिंग, सेकेंड है इसकी डबल एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो अच्छा बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक डेबिट। और अच्छा देखिए बैंक का नया अकाउंट बनेगा, बैंक डेबिट होगा, और कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है, कैश अकाउंट बना हुआ उसी में से क्रेडिट कर देंगे। बैंक का नया अकाउंट बनेगा, बैंक डेबिट, कैश अकाउंट बना हुआ है क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक अकाउंट है आपका, इसको डेबिट करें, ये लिखा हुआ डेबिट, कैश अकाउंट बना हुआ है इसको क्रेडिट करेंगे। कॉपी कर रहे हैं लास्ट, आप लोग बातें नहीं कर रहे, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट थर्ड है बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेम लिमिटेड, इसकी डबल एंट्री क्या होगी, ऑफिस ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब दो नए अकाउंट बनेंगे, ऑफिस फर्नीचर का और ये हो जाएगा डेबिट, लास्ट आवाज नहीं आती, ऑफिस फर्नीचर डेबिट हुआ, और ये नेक्स्ट अकाउंट होगा अकाउंट टेबल, ये हो जाएगा क्रेडिट, ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये रहा ये ना डेबिट, हाँ ये पेबल क्रेडिट, कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया, या आप इधर आ जाए, इधर आके पढ़ा लें, आवाज नहीं है। अच्छा नंबर एक बॉट ऑफ वैन पेइंग बाय चेक, तो डबल एंट्री क्या होगी, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा वैन अकाउंट बनेगा नया, वैन का नया अकाउंट बनेगा वैन डेबिट, और बैंक अकाउंट हमने बनाया हुआ है उसी में क्रेडिट हो जाएगा, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। तो वैन अकाउंट नया बनेगा, बैंक अकाउंट बना हुआ है उसी में क्रेडिट कर, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। वैन डेबिट हुआ, बैंक का ये बुरा वो क्रेडिट करें, ये क्रेडिट होगा, क्रेडिट पे लिखा है इधर, बैंक अकाउंट ये हो गया वैन डेबिट, लाइन से हाँ उसी के नीचे है, लाइन बाय लाइन, लाइन ही छोड़, लाइन बाय लाइन छोड़, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट सर बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पीयर्स एंड सन्स ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री होगी
ऑफिस इक्विपमेंट, डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। अब यहाँ दो नए अकाउंट बनेंगे, एक ऑफिस इक्विपमेंट्स का या इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है। अब ये दो नए अकाउंट बन जाएंगे, इक्विपमेंट्स डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ट्रांजेक्शन वाइज करेंगे ना, जो ट्रांजेक्शन की डेट है वही लिखेंगे, नया बनेगा आगे बना होगा। हाँ जी, कॉपी हो गया। अच्छा 18 रिटर्न फॉल्टी फॉर द ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 262 ड्रीम लिमिटेड। अब इसकी एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। अच्छा अब ये दोनों अकाउंट्स बने हुए, नया अकाउंट नहीं बनेगा, ये ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल डेबिट ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट दोनों अकाउंट्स बने हुए, उसी में पोस्ट कर। कॉपी कर लिया। नेक्स्ट 25 सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट्स फॉर कैश। अब इसकी डबल एंट्री होगी, कैश डेबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट। तब दोनों अकाउंट्स बने हुए, कैश डेबिट हो जाएगा और इक्विपमेंट्स क्रेडिट। कैश डेबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। नेक्स्ट 26 पेड अमाउंट गोइंग टू ड्रीम लिमिटेड बाय चेक। इसके डबल एंट्री होगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगा ना। तो दोनों अकाउंट्स बने हुए, अकाउंट्स पेबल डेबिट 1840 और बैंक क्रेडिट 1840। अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट 28 took 130 out of the bank added to cash। इसकी डबल एंट्री होगी, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। इसकी एंट्री हो जाएगी, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। Thank you.
अभी कह लिया। लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट एक्ट्रॉन लेटर्स 4,000 गिविंग अस द मनी बाय चेक। इसकी डबल एंट्री होगी, बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट। इसमें बैंक डेबिट 4,000 और लोन पेबल क्रेडिट 4,000। बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट कॉपी कर जी, कॉपी कर लिया। असल में ये तो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, तो ये जो हमने ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड की, इसे हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ये हमने ट्रांजैक्शंस लेजर में पोस्ट कर, ये हो गया लेजर पोस्टिंग। अब क्या होगा, मंथ एंड हो गया, मंथ एंड पे हम अकाउंट्स वन बाय वन क्लोज करेंगे और हर अकाउंट का बैलेंस फाइंड। ठीक, अब क्या होगा, मंथ एंड पे अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे और हर अकाउंट का बैलेंस फाइंड करेंगे। ठीक, ये थी पोस्टिंग। इसके बाद फिर सेकंड स्टेप होता है क्लोजिंग और फिर बैलेंस। तो तीन स्टेप में आपके लेजर्स कंप्लीट होते हैं, पोस्टिंग क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब मंथ एंड हो गया, मंथ एंड पे हर अकाउंट को क्लोज करेंगे और हर अकाउंट का बैलेंस फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हमें कैश अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना है, तो मंथ एंड पे कैश इन हैंड कितना बचा, तो क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या करेंगे। देखिए, ये इसकी डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और वो राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। हाँ, अच्छा मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है सबने। अच्छा, मैथ्स में प्लस माइनस आता ही आपको। अच्छा, उसमें अगर एक वैल्यू प्लस हो दूसरी वैल्यू माइनस तो क्या करते हैं, और दोनों प्लस हो तो, और दोनों माइनस हो तो प्लस करते हैं। मतलब सेम साइन ऐड होते हैं और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे ही रूल यहाँ पर भी है। ये इसकी डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और वो राइट हैंड साइड क्रेडिट। उसमें भी क्या होगा, देखिए, डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाता है। डेबिट डेबिट प्लस होंगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होंगे, फिर डेबिट क्रेडिट माइनस होंगे तो बैलेंस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो रफली सॉल्व कर लेते हैं, डेबिट साइड के टोटल करते हैं कितना आ रहा है, 17,830। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 9,408। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड को माइनस करें तो बैलेंस आ जाएगा 17,830 माइनस 9,400, कितना आ रहा है, 8,430। ठीक है, अच्छा ये तो बैलेंस आ गया ना, ऐड करके हमने सब्ट्रैक्ट किया, बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस लिखेंगे किस साइड पर, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे जरा मैथ को यूज करते हैं। देखिए, मैथ में अगर एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की तो माइनस करेंगे। अच्छा, जो आंसर आएगा उसके साथ साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, अगर प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस, माइनस की बड़ी है तो माइनस। अच्छा, सेम रूल यहाँ पर भी है। अब यहाँ दो साइड है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अच्छा, जो बैलेंस हमने फाइंड किया वो किस साइड पर आएगा, बड़ी साइड पर, बड़ी साइड पर। ठीक, यानी कि जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा बैलेंस भी उसी साइड पे लिखा जाए। अब इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर बैलेंस आएगा। ठीक, अच्छा ये तो एक रफली मैंने एक आइडिया दे दिया आपको करना क्या है। तो पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, बैलेंस आ जाएगा, और बैलेंस अब कहाँ लिखेंगे, बड़ी साइड पर। अच्छा, अब इसको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है वो समझाता हूँ मैं। अच्छा, इसमें प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले तो आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन छोड़कर जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड पे लिखें। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड पे लिखें। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, डेबिट पे लिखा, यही टोटल हमने लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, और अब इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे।
17,830 में से 9,400 माइनस करें, बैलेंस कितना आ रहा है? ठीक है, 8,430। अब जो बैलेंस आएगा इसे पहले हम लिखेंगे कम वाली साइड पर, पहले कम वाली साइड पर लिखेंगे और फिर इसको उठा के ले आएंगे बड़ी साइड पर, ग्रेटर साइड। यहाँ भी अकाउंट हमारा कंप्लीट होगा। अच्छा, यहाँ मैंने दो टर्म यूज किए हैं, सी स्लैश डी और ये बी स्लैश डी, ये भी बता देता हूँ क्या मतलब है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ देखिए टोटल के नीचे आएगी डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब होता है यहाँ पर आपके अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट। रिपीट कर दूं? हाँ बताता, उसको बताता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा एक लाइन छोड़कर वो टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, और जिस साइड का टोटल कम है वो उसमें से माइनस होगा और बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस पहले हम लिखेंगे कम वाली साइड पर और फिर उसको उठा के ले जाएंगे बड़ी साइड पर, ग्रेटर साइड। ये कंप्लीट प्रोसीजर है पोस्टिंग क्लोजिंग बैलेंस। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है, आज जितने हमारे जून में हमने बिजनेस शुरू किया था, जून एंड कब हुआ, 30th को जून एंड हो जाता है। आज अगर 30th जून है तो कल क्या डेट होगी, 1st जुलाई। ठीक है, तो आज जो बैलेंस है हमारे पास 8,430 का वो कल भी होगा, इसलिए तो यहाँ पे यहाँ एंडिंग की डेट आएगी और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट की डेट आएगी। नहीं यहाँ पे हमारे देखिए मंथ एंड हुआ, यहाँ से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा ना, तो नेक्स्ट मंथ की पहली डेट आएगी, तो यहाँ से आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ 31st जुलाई आएगी, फिर यहाँ 1st अगस्त आ जाएगी, 31st अगस्त, 1st सेप्टेम्बर, तो एक साल का एंडिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, एक साल का क्लोजिंग बैलेंस एक मंथ का दूसरे मंथ का ओपनिंग आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर अभी आएगा बताता हूँ। हाँ ओपनिंग के लिए बीडी और क्लोजिंग के लिए सीडी, आज बैंक से भी आएगा। अच्छा ये हमारे टर्म्स लिखी थी सीडी और बीडी, ये फुल फॉर्म सीडी, इसकी फुल फॉर्म है कैरी टर्म, और बीडी की फुल फॉर्म ब्रॉड डाउन। अच्छा कैरी एक वर्ड होता है, तो पता है कैरी कैरी के क्या मीनिंग होता है, कैरी करना, और ये ब्रॉड जो बना है ब्रिंग से, ब्रिंग के मतलब क्या होते हैं, कैरी के मीनिंग क्या होते हैं, ले जाना, ब्रिंग उसी से बन गया, कैरी से कैरी डाउन शॉप में बताए, और ब्रिंग से ब्रॉड डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए टर्म यूज होगी कैरी डाउन कर रहे हैं इसको, तो लिखा कैरी डाउन, और ये ब्रॉड डाउन ब्रिंग हो रहा है ब्रॉड डाउन, उससे तो आपकी टर्म यूज होती है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए टर्म यूज होगी कैरी डाउन, और ओपनिंग बैलेंस के लिए टर्म यूज होगी ब्रॉड डाउन। इसमें क्या प्रॉब्लम, आप क्लियर कॉपी करें, क्या कौन करते हैं खेलते कॉपी कर लिया। अच्छा ये कंप्लीट हो गया अकाउंट हमारा, पोस्टिंग क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा इसी तरह सारे अकाउंट क्लोज होंगे हम। अच्छा सेकंड बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। अब ये बैंक अकाउंट ये आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है ना। अच्छा अब इसका भी टोटल करते हैं दोनों साइड का, तो इसमें देखिए बैंक में भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। अब डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 13,400, दोनों साइड पे लिख लेते हैं। अब 13,400 में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे,
13,400 से क्रेडिट साइड माइनस हो जाएगी, बैलेंस कितना आ रहा है कैलकुलेट करें। 13,400 से क्रेडिट साइड माइनस कर दें, बैलेंस कितना आया सेवन। बैलेंस आपके पास आएगा 6,180। ठीक है, ये हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन और इसको डेबिट साइड पे लाके यहाँ ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैरी डाउन और ये ब्रॉट डाउन। आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गया, पोस्टिंग क्लोजिंग बैलेंस कंप्लीट। बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ तक मैंने कैश और बैंक में तो ये स्टेप वाइज इसको क्लोजिंग बैलेंसिंग की है, इसके बाद वाले अकाउंट मैंने डायरेक्ट क्लोज किया। मैं तो वो समझा देता हूँ आपको, फिर कॉपी की देता हूँ। बैंक कॉपी हो गया। नेक्स्ट। अच्छा, बैंक के बाद आपके पास वो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल मैंने आखिर में बनाया। नेक्स्ट है ऑफिस फर्नीचर। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट क्लोज और बैलेंस किया हुआ है तो उसको समझ लें। ठीक है, अब बैंक अकाउंट में देखें, फर्नीचर में डेबिट साइड पे लिखा हुआ है आपके पास 2,100 और क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 260 आप लोगों के पास। ठीक, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 2,100 में से 260 माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ जाएगा 1840 का कैरी डाउन और ये डेबिट का आगे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, इसमें टोटल के नीचे जो सिंगल लाइन है तो वो फॉर्मेट का इश्यू था, तो आप लोग टोटल के नीचे डबल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जिसमें कैश और बैंक में टोटल के नीचे डबल लाइन ड्रॉ की थी, इसी तरह हर अकाउंट में टोटल के नीचे डबल लाइन आएगी। इस तरह से हर अकाउंट के नीचे टोटल के नीचे डबल लाइन। चलो हाँ, इसको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए थे। ऐसी हो गई अच्छा, ये कॉपी कर लें, जिस तरह टोटल के नीचे डबल लाइन आएगी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट अकाउंट्स पेबल। अच्छा भी ये समझ लें, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये समझ लेते हैं। अच्छा, अकाउंट्स पेबल में देखिए आपके पास एक एंट्री क्रेडिट साइड पर है 2,100 और एक एंट्री डेबिट साइड पर है 260। अब अकाउंट्स पेबल में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है ना, तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे पहले क्रेडिट पे, यही टोटल हम लिखेंगे डेबिट साइड पर और इसमें से माइनस करेंगे 260, तो बैलेंस आएगा 1840 क्रेडिट साइड पर आएगा। अब ये कैरी डाउन इसका क्रेडिट बल्कि एक मिनट गलत गए, हाँ गलत गए, इसमें दोनों साइड का टोटल सेम है। क्रेडिट का टोटल कितना है 2,100, डेबिट कार्ड पर दो एंट्रीज है 260 और 1840, दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, उसका बैलेंस क्या होगा जीरो, तो जीरो बैलेंस
शो नहीं करते, यहीं पे ही अकाउंट आपका क्लोज हो गया, खत्म। दोनों साइड का टोटल सेम आने का मतलब आपका बैलेंस जीरो, तो ये अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाएगा। तो ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो गया। अकाउंट पेबल ड्रीम लिमिटेड का चैप्टर क्लोज। अच्छा नेक्स्ट कैश में कंटिन्यू हो रहा था अगले महीने से, इसका नहीं होगा। नहीं ये कंटिन्यू नहीं होगा, खत्म हो गया ना, जो अमाउंट पे करना था वो हमने पे कर दिया, खत्म, चैप्टर क्लोज। नहीं कुछ भी नहीं आएगा, बस खत्म, टोटल लिख के डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। जी यहाँ पे देखो, बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम सेल्स एंड सन्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फॉर 2,300, तो इक्विपमेंट में तो ये रिवॉर्ड मिली ना, हाँ, तो 2,300 तो यहाँ पे रिवॉर्ड मिली, यहाँ पे कैसे ये 2,100 आ रहा है? इतने सब वो थोड़ी है, वो अलग है, नाम क्या है, नाम पढ़े, वो अलग है, वो पियर जनसन है, आप जो पढ़े अभी आ रहा है सब, मैंने एक ही अकाउंट बनाया। अच्छा एक बनाया, वो फिर अलग होगा ना, वो जाएगा, वहाँ वो खाया, गलत नहीं है वो भी। अच्छा नेक्स्ट है वैन अकाउंट। अच्छा देखिए वैन अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री है, डेबिट साइड पर 5,250, क्रेडिट पे कोई एंट्री नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मतलब जीरो हो जाएगा, क्रेडिट साइड क्या है, जीरो। अभी डेबिट का टोटल लिखेंगे, डेबिट पर यही टोटल आएगा, क्रेडिट साइड पर माइनस करेंगे जीरो, यही इसका बैलेंस हो जाएगा कैरी डाउन, और यही इसका बैलेंस ड्रॉ डाउन। ठीक है, तो जो टोटल है वही बैलेंस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स अकाउंट। इक्विपमेंट समझ लें, इक्विपमेंट्स अकाउंट में आपके पास डेबिट साइड पे एक एंट्री है 2,300 और क्रेडिट साइड में एक एंट्री है 200। अब इसमें भी डेबिट साइड पे टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, 2,300 डेबिट, 2,300 क्रेडिट पे लिखेंगे, 2,300 से 200 माइनस होंगे, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 2,100, और इधर डेबिट पे आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2,100। इसी तरह से इनको भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। फॉर्मेट का पार्ट है, जी कॉपी हो गया। जी कॉपी कर लिया, अच्छा याद हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अब ये समझ लें जरा, ये डिफरेंट है इसमें ना, अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट पेबल देखिए, सिर्फ एक एंट्री आ रही है क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है ना। अच्छा डेबिट पे कोई एंट्री नहीं है तो मीन्स डेबिट का टोटल क्या होगा, जीरो। अब इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल जीरो आ रहा है ना। अभी क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे क्रेडिट पर 2,300, यही टोटल हम लिखेंगे डेबिट साइड पर 2,300, और इसमें से डेबिट साइड जीरो माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ जाएगा 2,300 कैरी डाउन, और ये क्रेडिट पे जाकर ड्रॉ डाउन। अब इससे देखिए साइड चेंज हो गई, ठीक है, कैरी डाउन यहाँ डेबिट पे आ रहा है, ड्रॉ डाउन क्रेडिट पर। तो कैरी डाउन हमेशा कम वाली साइड पे आएगा, ड्रॉ डाउन बड़ी साइड पर। इसके बाद लोन पेबल। अच्छा देखा, अच्छा लोन पेबल में भी एक ही एंट्री है क्रेडिट साइड पर 4,000 की, डेबिट पे कोई एंट्री नहीं है, उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 4,000, क्रेडिट पे लिखेंगे, यही टोटल डेबिट साइड पर आएगा, माइनस करेंगे जीरो, तो बैलेंस आ जाएगा 4,000 कैरी डाउन डेबिट पर, और ये ड्रॉ डाउन हो जाएगा क्रेडिट
साइड। अच्छा वो थोड़ा सी आपने कहा, अब वो क्लियर हो गया। कैरी डाउन ब्रॉड डाउन किसी भी साइड पे आ सकता है, तो कैरी डाउन कम वाली साइड पे ब्रॉड डाउन बड़ी साइड, वहां कैरी डाउन और जहां ज्यादा है वहां ब्रॉड डाउन। हम कॉपी कर लें जी, हाँ ये वही आता अभी कह रहे थे जरूरी है, अब कह रहे ड्रा नहीं कर दिया, लोकली बातें कर रहे हैं। फॉर्मेट का पार्ट है नॉलेज के लिए, बाकी ये क्या कंप्लीट कर कॉपी कर लिया। अच्छा लास्ट अकाउंट रह गया हमारा कैपिटल का, सेकेंड अकाउंट था कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट आवाज कॉपी हो गया। अच्छा ये रह गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अच्छा देखिए कैपिटल में भी सिर्फ एक एंट्री है क्रेडिट साइड पर, डेबिट पे कोई एंट्री नहीं है, तो मींस डेबिट का टोटल जीरो हो जाएगा। अब क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे, क्रेडिट पर 17,500 यही टोटल लिखेंगे, डेबिट साइड पर इसमें से माइनस करेंगे जीरो, तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 17,500 डेबिट साइड पे, और ब्रॉड डाउन आ जाएगा इसका क्रेडिट साइड। अच्छा जून कब एंड होता है 30।